क्वेश्चन 2022 का सेट का है, यूपीएससी का क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पर लेट पी बी द टू डिजिट नंबर एंड क्यू बी द नंबर कंसिस्टिंग ऑफ द सेम डिजिट रिटन इन अ रिवर्स ऑर्डर। इफ पी इंटू क्यू इज 2430 देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू। सो हम लोग यहाँ पर दिया हुआ है पी इंटू क्यू 2430। अब बोल रहा है यहाँ पर कि पी जो है वो टू डिजिट नंबर है, कोई भी टू डिजिट नंबर है पी। अब बोल रहा है कि जो क्यू है वो पी का ही रिवर्स है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, सपोज यहाँ पी को मान लेते हैं एक्स वाई, तो क्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो वाई और एक्स हो जाएगा, ठीक। और जब वो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आना चाहिए, मतलब 2430 जो है ये आना चाहिए। और हम लोग को निकालना क्या है, तो पी माइनस क्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पे लास्ट में जीरो आ रहा है, मतलब क्या होगा कि नंबर का जरूर 5 होना चाहिए लास्ट में, जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो, या फिर 10 होना चाहिए, क्योंकि 5 और 10 ये लास्ट में 0 आ सकता है मल्टीप्लिकेशन्स में। तो भी हम लोग चेक करें, सबसे पहले हम लोग 5 से चेक करते हैं यहाँ पर नंबर पुट करके। जैसे कि यहाँ पर लास्ट डिजिट को हम लोग 5 मान लेते हैं, उसके बाद सपोज 25 into 52 यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पर हम लोग इसका रिवर्स है, पी का रिवर्स है क्यू, 25 मार्च को 52 मानना पड़ेगा, करके देखते हैं तो उसका 1300 आ रहा है। ये इसके बराबर है नहीं है। अब देखेंगे नेक्स्ट हम लोग करके 3 5 into 5 3 करके देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 5 और यहाँ पे 3 है और है, यहाँ पे 15 आ जा रहा है, ये तो कभी हो नहीं सकता है। अब नेक्स्ट 45 into 54 करके देखेंगे तो कितना आ जा रहा है, 2430 आ रहा है। मतलब क्या यहाँ पे ये वही नंबर एग्जैक्टली आ रहा है जो नंबर इंटू करके होना चाहिए। मतलब यहाँ पे समझ में आ गया हम लोगों को पी का वैल्यू या तो 45 है और क्यू का वैल्यू 54 है, ठीक है। तो जब दोनों का को माइनस निकालना है तो निकालेंगे 51 minus 54 माइनस 45 = 9 आंसर।